From Bentley Progressive Class. Now today's second topic is our simple past tense. Simple past tense, साधा भूतकाल. Simple past tense का meaning है साधा भूतकाल. और simple past tense मतलब is used for an action that happened in the past. जो action हमारी past में हुई है, वो action simple past tense express करता है. Simple past tense में जो past tense में जो action हो गई है, वो express is इसमें की जाती है. और ये स्ट्रक्चर जो है समान, हम जो स्ट्रक्चर के हिसाब से टेंसेस देख रहे हैं, एसर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है, सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर जैसे सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. सेकंड फॉर्म ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस फॉर्म यूज होता है. प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है और सिंपल पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म यूज होता है. और इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. एंड इसमें अगर हमें निगेटिव करना है तो डिड नॉट प्लस गिवन ये हमें बनाना होता है. इसमें डिड नॉट यूज करना होता है और डिड नॉट के आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी यूज होता है. ये हम अक्सर जो होने वाली मिस्टेक्स बच्चों की जो है यहीं पर होती है. जो बच्चे डिड नॉट के आगे वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लिखते हैं और यहीं पे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखते समय भी यही मिस्टेक होती है. जनरली अगर जब डिड का आंसर डिड में क्वेश्चन पूछा रहा तो हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसे टर्न करना होता है, वही हम मिस्टेक करते हैं. तो ये हमें ध्यान में रखना है कि डिड नॉट के आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यह आता है. अब इसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स यानी कॉम्प्लीमेंट्स. तो एसर्टिव सेंटेंस में हम जो सब्जेक्ट से एसर्टिव सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, ये हमने देखा है. एसर्टिव सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट की जगह पर पूरे प्रोनाउंस यूज करके इसके सेंटेंस हम बना रहे हैं. आई रोट अ लेटर, वी रोट अ लेटर, यू रोट अ लेटर, दे रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर, शी रोट अ लेटर. राइट का सेकंड फॉर्म रोट होता है, इसलिए हमने यहाँ पर रोट यूज किया. और इसे निगेटिव करने के लिए डिड नॉट का यूज करना पड़ता है. तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, तो सब्जेक्ट आई डिड नॉट, रोट का फर्स्ट फॉर्म ट्रांसफर हो जाता है राइट. तो आई डिड नॉट राइट अ लेटर, वी डिड नॉट राइट अ लेटर, यू डिड नॉट राइट अ लेटर, दे डिड नॉट राइट अ लेटर, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, शी डिड नॉट राइट अ लेटर. इस टाइप से ये सेंटेंसेस हमारे स्ट्रक्चर के हिसाब से बनते हैं सेकंड फॉर्म और डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म. Some more examples also. Uncle Tom came last night. देखिए यहाँ पर हमारा वर्ब है came. Uncle Tom last night आए थे. India became free in 1947. Past happened. जो action past में हुई है वो action express simple past tense में की जाती है. तो India became free in 1947. India 1947 में स्वतंत्र हुआ था. He didn't drink milk for breakfast yesterday. उसने कल ब्रेकफास्ट में दूध नहीं पिया था. इस टाइप से ये सेंटेंस हमारे जो पास्ट के सेंटेंसेस है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म और डिड नॉट वी वर यूज करके हम पास्ट टेंस में सेंटेंसेस यूज करते हैं. ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर और ये हमारे इस टाइप से सेंटेंसेस बनते हैं.